हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज। ए सेट ई का अभ्यास 9 है। इस प्रकार से 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन है जिसका मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपी एलटी ग्रेड हो, एमपी टेट हो, एमपी सुपर टेट हो, चाहे अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी हो, केवीएस एनवीएस हो, सभी के लिए मेरे चैनल पे टॉपिक वाइज थ्योरी सेशन, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, वन लाइनर क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सभी चीज हल कराए गए हैं। और डेली बेसिस में आपको 7 से 8 हज़ार क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ। यह 48वां वीडियो है प्रैक्टिस का। तो दोस्तों, डेली बेसिस से प्रैक्टिस करते रहिए और अपने गलतियों को सुधार करते रहिए, जिससे एग्जाम में आपको एकदम कुछ पता ही न चले, आपको लगे कि एकदम इजी क्वेश्चंस आए हैं। क्योंकि प्रैक्टिस जितना रहेगा उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा, इसलिए डेली बेसिस से प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी आपने पढ़ा हुआ है मेरे वीडियोज के माध्यम से डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं दोस्तों आज के प्रश्नों की तरफ। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है फिजिकल एजुकेशन स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड ग्रुप का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन है प्रशिक्षण भार यानी ट्रेनिंग लोड को कुछ समय के लिए दिया जाता है, अधूरा, हाँ कुछ समय के लिए दिया जाता है लेकिन अधूरा दिया जाता है, यह कौन सी विधि होती है? दोस्तों, यह विधि होती है अंतराल विधि यानी इंटरवल मेथड। जैसे कि दोस्तों, इंडोरेंस डेवलप, सहनशीलता को डेवलप करने की 4 विधियां हैं, कंटीन्यूअस, इंटरवल, रिपीटेशन, कंपटीशन मेथड। जिसमें से इंटरवल कंटीन्यूअस में लगातार बिना गैप के किया जाता है, कोई रिकवरी नहीं होता ज्यादा। एंड जो अंतराल प्रशिक्षण इंटरवल मेथड होता है बेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि कोई ट्रेनिंग लोड या ट्रेनिंग जो किया जाता है वह हार्ट रेट 180 तक पहुंचते तक किया जाता है। फिर हार्ट रेट 180 पहुंचते ही रोक दिया जाता है। जो ही हार्ट रेट आपका 20 से 40 पर आता है त्यों ही तुरंत फिर शुरू कर दिया जाता है, यानी पूर्ण रिकवरी नहीं दिया जाता है, अधूरा रिकवरी दिया जाता है, अधूरा आराम दिया जाता है। तो यही आपका होता है अंतराल प्रशिक्षण। नेक्स्ट है प्रशिक्षण भार यानी ट्रेनिंग लोड को सभी प्रदर्शन कारकों के लिए बढ़ाना चाहिए, जिससे कि उन सब गामक क्षमताओं का विकास पूर्ण रूप से हो सके, यह कौन सी विधि है? तो दोस्तों, यह भी आपका इंटरवल मेथड है। नेक्स्ट है इस आधुनिक युग में प्रतिस्पर्धात्मक खेल खिलाड़ी के प्रदर्शन से जुड़े और खेलों में प्रदर्शन की व्यक्तिगत क्षमता उसकी व्यक्तिगत यानी पर्सनल क्षमता पर निर्भर करती है, यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? दोस्तों, यह खेल के सिद्धांत की बात हो रही है। तो दोस्तों, यह व्यक्तिगत क्रियाओं की व्यक्तिगत क्षमता की बात हो रही है, तो यह व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्योंकि कोई भी एक जैसा नहीं है, सभी भी एक अलग गुण भगवान ने दिया है, अलग क्षमता पाई जाती है, उस क्षमता के अनुसार अपने अपनी क्रिया को चुनना चाहिए। नेक्स्ट, किसी भी खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि खिलाड़ी की व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास किया जाए। तो वो कौन से सिद्धांत के अनुसार आता है दोस्तों? यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जबकि एक क्रमबद्ध योजना का सिद्धांत, सामान्य विशेष तैयारी का सिद्धांत, ये सभी खेल के सिद्धांत है, लेकिन इस वाक्य के अनुसार यह होगा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट है रक्त को लाल रंग प्रदान करने वाले हीमोग्लोबिन के निर्माण में निम्न सहायक होता है। जैसा कि आप सबको पता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सबसे ज्यादा सहायक होता है लोहा यानी आयरन। नेक्स्ट है
थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का निर्माण कौन करता है दोस्तों? इसमें से तो आयोडीन जो है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का निर्माण करता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है। नेक्स्ट, विभिन्न पाचक यानी डाइजेस्टिव एंजाइमों के निर्माण में कौन महत्वपूर्ण कार्य करता है? तो वह आपका खनिज लवण यानी मिनरल सॉल्ट जो है वह पाचक एंजाइमों के निर्माण में मुख्य भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट, धातु तथा अस्थियों के निर्माण में कौन मुख्य भूमिका अदा करता है? तो वो होता है कैल्शियम फास्फोरस। नेक्स्ट है, रिकेट्स नामक रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो रिकेट्स नामक रोग जो है वह किसकी कमी से होता है दोस्तों? विटामिन डी की कमी से होता है, आपको पता है। और विटामिन डी में कैल्शियम फास्फोरस ये सब पाया जाता है। यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका कैल्शियम, क्या हो जाएगा? विटामिन डी नहीं दिया है तो कैल्शियम आपका राइट हो जाएगा। रिकेट्स यानी सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम प्राप्ति का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा दूध। दूध जो है विटामिन कैल्शियम प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है, कैल्शियम का कितना परसेंट भाग दांतों अस्थियों में पाया जाता है? तो 65% जितना कैल्शियम हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होता है उसमें से 65% ओनली अस्थियों दांतों के उपयोग में होता है। नेक्स्ट, रक्त को शीघ्र जमाने में सर्वाधिक सहायक है इन चारों ऑप्शन में से तो है कैल्शियम। रक्त को जमाने का कार्य दोस्तों खनिज लवणों में कैल्शियम करता है, विटामिन में विटामिन के करता है, रक्त कणिकाओं में बीमारु यानी प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट करता है। एंड रक्त प्रोटीन की बात करें तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन करता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन दोनों का निर्माण होता है यकृत यानी लीवर में, लेकिन यह पाया जाता है प्लाज्मा में, रक्त प्लाज्मा में। ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रूस ने प्रथम बार किस ओलंपिक में भाग लिया? तो रूस ने प्रथम बार 1952 हेलसिंकी फिनलैंड ओलंपिक में शामिल हुआ, भाग लिया, ठीक है। नेक्स्ट है, एशियाई महाद्वीप में आयोजित प्रथम ओलंपिक खेल है? तो दोस्तों एशिया महाद्वीप में आयोजित प्रथम ओलंपिक खेल है 1964 टोक्यो जापान। उसके बाद आपका चीन में भी हुआ है 2008 में। नेक्स्ट, ओलंपिक ने किस ओलंपिक का बहिष्कार, अमेरिका ने किस ओलंपिक का बहिष्कार किया और भाग नहीं लिया? तो दोस्तों अमेरिका ने किस ओलंपिक का बहिष्कार किया और उसमें भाग भी नहीं लिया? तो वो था 1980 मास्को रूस। नेक्स्ट, रूस ने किस ओलंपिक का बहिष्कार किया और भाग नहीं लिया उसमें? तो वो था 1984 लॉस एंजेल्स अमेरिका। नेक्स्ट है, सभी अफ्रीकी देशों ने किस ओलंपिक का बहिष्कार किया और भाग नहीं लिया? और अफ्रीकी देशों की बात हो रही है, यहां पे हो जाएगा 1976 मॉन्ट्रियल कनाडा। नेक्स्ट है, भारत ने अब तक कितने ओलंपिक पदक जीते हैं दोस्तों? 2021 टोक्यो जापान तक मिलाकर के अभी तक में कुल 35 पदक जीता है। यहाँ पे पुराना डाटा है, ठीक है, यहाँ पे पुराना डाटा है। 2020 टोक्यो जापान ओलंपिक से पहले 28 थे कुल, यानी 9 स्वर्ण 7 रजत और 12 कांस्य। लेकिन अब कितने हैं दोस्तों? अब 2020 यानी जिसका आयोजन 2021 में हुआ टोक्यो जापान में, इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य। तो इसमें आप मिला देंगे तो 10 स्वर्ण 9 रजत और 16 कांस्य पदक हो जाएंगे, यानी कि कुल 35 पदक अभी तक में भारत ने ओलंपिक में जीते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा इस ऑप्शन में अभी के अनुसार, और इससे पहले के अनुसार ग आपका राइट होगा। अभी के अनुसार राइट होगा कि भारत ने अब तक कितने ओलंपिक पदक जीते हैं, तो कुल 35 ओलंपिक पदक जीते हैं जिसमें से 10 गोल्ड 9 रजत 16 कांस्य पदक।
ठीक है। 10 गोल्ड किसने किसने जीता है दोस्तों? 8 गोल्ड हॉकी में, 1 निशानेबाजी में 2008 में अभिनव बिंद्रा ने जीता था, एंड 1 आपका 2021 टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जीता है। कुल 10 स्वर्ण पदक हो गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय हॉकी ने कितने ओलंपिक पदक जीते हैं अभी तक में? तो अभी तक में भारतीय हॉकी ने, यहाँ पे राइट आंसर दिया है दोस्तों क, यानी 11। भारतीय हॉकी ने अब तक कितने पदक जीते हैं? तो 11 पदक, ठीक है, 8 स्वर्ण 1 रजत 2 कांस्य। लेकिन 2020 टोक्यो ओलंपिक को मिला करके अब हॉकी में, टोक्यो ओलंपिक में हॉकी ने कौन सा पदक जीता है? भारतीय हॉकी ने कांस्य पदक जीता है। तो आपका हो जाएगा 12 पदक। कुल कितने पदक हो जाएंगे? 12 पदक। राइट क्या होगा? भारतीय हॉकी ने ओलंपिक में अभी तक में कितने पदक जीते हैं? तो 12 पदक। कितने? 8 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य, ठीक है, 1 कांस्य पदक आपका जीता है यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2021 में, ठीक है। तो कितने अभी तक में हॉकी ने जीता है ओलंपिक में पदक? 12 पदक, जिसमें से 8 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य पदक हो जाएंगे। नेक्स्ट, 1928 से 1956 तक किस देश ने रिकॉर्ड 6 बार लगातार ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक जीते हैं? तो वह है दोस्तों भारत। कौन सा देश है? भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने को एथेंस ओलंपिक 2004 में निशानेबाजी का रजत पदक दिलाने वाले खिलाड़ी कौन है दोस्तों? तो वो है मेजर राजवर्धन सिंह राठौर हैं। इन्होंने रजत पदक जीता निशानेबाजी में। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल रूप से प्रथम ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो यही है आपके मेजर राजवर्धन सिंह राठौर निशानेबाजी में। नेक्स्ट है, 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले श्री केडी जाधव किस खेल से संबंधित थे हैं? तो वो है कुश्ती, यानी रेसलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्षण को स्पष्टतः एक सक्रिय प्रक्रिया निम्न में से किस विद्वान ने माना है? यानी प्रत्यक्षण को स्पष्टतः एक सक्रिय प्रक्रिया निम्न में से किस विद्वान ने माना है? तो इसको माना है रूक ने। किसने माना है? रूक ने। नेक्स्ट है, सूची 1 में दिया हुआ है प्रत्यक्षण के सिद्धांत या उपागम, एंड सूची 2 में दिया गया है उससे संबंधित व्याख्या। तो उन दोनों सूची को आपको मिलाना है। तो यहाँ पे सूची 1 दिया हुआ है प्रत्यक्षण के सिद्धांत उपागम, और सूची 2 दिया हुआ है उसका व्याख्या। तो चलिए मिलाते हैं। तो यहाँ पे हमको मिलाना है, तो क्वेश्चन नंबर 25 को आपको मिलाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आंसर ही लगा लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। कौन सा आंसर होगा? ग, यानी कि क का 2 हो जाएगा। क का क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो क में क्या है दोस्तों? क में है प्रत्यक्षण का दैहिक उपागम क्या होगा? प्रत्यक्षण का दैहिक उपागम होगा, तो क का 2 होगा, क्या होगा दोस्तों? इसका दैहिक उपागम होगा प्रत्यक्षण का निर्धारण प्रत्यक्षकर्ता के गुणों के आधार पर न होकर वस्तु जिसका प्रत्यक्षण व्यक्ति करता है के गुणों या विशेषताओं के आधार पर होता है। एंड आपका ख का 1 होगा। ख क्या दिया हुआ है? आ, प्रत्यक्षण का सूचना संसाधन उपागम क्या होता है? तो यह होता है आपका व्यक्ति एक समय में कुछ निश्चित उद्दीपकों का प्रत्यक्षण कर पाता है, क्योंकि वह एक समय में सीमित सूचनाओं को ही संसाधित कर पाता है। एंड ग का 4 होगा। ग क्या है? ई, यानी कि छोटा ई वाला, या प्रत्यक्षण का गेस्टाल्ट सिद्धांत क्या है?
तो प्रत्यक्ष का गेस्टाल्ट सिद्धांत है ग का फूर हो जाएगा, क्या है ए है आपका, व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्षण अलग अलग रूप से न कर संपूर्ण रूप से करता है। एंड आपका घ का थ्री हो जाएगा लास्ट का, प्रत्यक्षण का निवेश अवस्था सिद्धांत क्या है, तो इसका आंसर थ्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्षण का निवेश अवस्था सिद्धांत है, प्रत्यक्षण मूलतः अभिप्रेरणात्मक कारकों से प्रभावित होता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकता मूल्य आदि के अनुसार किसी वस्तु का प्रत्यक्षण करता है। तो इस प्रकार यह ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2008 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए। तो दोस्तों 2008 में ओलंपिक खेल खेले गए थे, कहाँ पे खेला गया था, बीजिंग चीन में। कहाँ पे, बीजिंग चीन में। नेक्स्ट है शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष आरंभ किए गए थे दोस्तों, तो 1924 में आरंभ किया गया था फ्रांस के चिमोनिक्स में। नेक्स्ट है तक्षशिला विश्वविद्यालय में किस खेल का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग शीर्ष पर था, तो वह था धनुर्विद्या, शिक्षा का केंद्र माना जाता था उस समय तक्षशिला महाविद्यालय। नेक्स्ट है अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब हुई, कब गठन किया गया, तो इसका गठन 1954 में किया गया। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल फिटनेस, नेशनल फिटनेस क्रॉप्स का गठन कब हुआ यानी NFC, इसका गठन हुआ 1965 में। कब हुआ, 1965 में। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से किस काया प्रारूप की विशेषता सुकुमार शरीर संरचना और कमजोर पाचन तंत्र है, तो इसका राइट आंसर होगा एक्टोमोर्फ यानी कृष्णकाय व्यक्ति, जो पतला दुबला होता है, शरीर को एंडोमोर्फ मेसोमोर्फ एक्टोमोर्फ में बांटा है सेल्डन ने। एंडोमोर्फ का पहचान है कि वो गोल मोटोल मांसल शरीर वाला होता है, मेसोमोर्फ जो है मध्यम गठित शरीर वाला व्यक्ति होता है, एंड एक्टोमोर्फ कृष्णकाय दुबला पतला शरीर वाला होता है। ठीक है, एंड आपका पिकनिक एथलेटिक एस्थेनिक डायस प्लास्टिक इन चार भागों में बांटा है क्रिस्मर ने। नेक्स्ट है निम्न में कौन पराध्वनि अल्ट्रासाउंड का व्याघात है, साइड इफेक्ट है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण कान में विकार, जो अल्ट्रासाउंड ध्वनि है उसका जो साइड इफेक्ट होता है कान में संक्रमण हो जाता है। नेक्स्ट है पराध्वनिक ऊर्जा यानी अल्ट्रासाउंड एनर्जी का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन किनके बीच सबसे कम होता है, तो वह कोमल ऊतक और वसा के बीच, कोमल ऊतक और वसा के बीच अल्ट्रासाउंड एनर्जी यानी पराध्वनिक ऊर्जा का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन जो होता है सबसे कम होता है। नेक्स्ट है आंतरिक संपीड़न यानी कॉम्प्रेहेंशन को छोर पर लागू करने में उपकरण में दाब किससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, यानी कि खिलाड़ी के डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर में अंतर से। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है दोस्तों, जब हृदय के अलिंद और निलय के सिकुड़ने को सिस्टोलिक कहते हैं और फैलने को डायस्टोलिक कहते हैं। नेक्स्ट है अंग मर्दन यानी मसाज की पेट्रीसाज विधि में क्या होता है, दोस्तों मसाज की पेट्रीसाज विधि जैसे कि यह मसाज चार प्रकार का होता है, स्ट्रोकिंग यानी कि सहलाना, प्रेशर यानी दबाना, परक्यूजन यानी थपथपाना, शेकिंग यानी सहलाना, जिसमें से
प्रेशर यानी दबाना टेक्निक में तीन प्रकार के होते हैं, नीडिंग, पेट्रिसाज एंड फ्रिक्शन। पेट्रिसाज नीडिंग में गुथना होता है त्वचा को, और पेट्रिसाज में त्वचा को चुकोटना होता है, खींचना होता है। नेक्स्ट है एफिलरेज अंगमर्दन विधि क्या है। तो दोस्तों यह स्ट्रोकिंग यानी कि सहलाने के हस्तकौशल विधि का प्रकार है। तो त्वचा को सहलाना आपका एफिलरेज अंगमर्दन यानी कि मसाज विधि है। नेक्स्ट है त्वचा की थपथपाना यानी परक्यूजन यानी टेपोटमेंट भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या शामिल है, शामिल है ये चार प्रकार का होता है, क्यूपिंग, बीटिंग, पाउंडिंग, हैकिंग आदि। ठीक है, तो हैकिंग, बीटिंग, पाउंडिंग इस सब प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। तो इसमें थपथपाने टेपोटमेंट में क्या शामिल होता है, मुक्कियाना। ठीक है, क्या शामिल होता है, मुक्कियाना। नेक्स्ट है खेल कूद में हुई क्षति में खिलाड़ी को तत्कालीन उपचार प्रदान करना है। तो इसका राइट आंसर आप दे दिए होंगे, क्रायोथेरेपी यानी कि बर्फ की चिकित्सा को क्रायोथेरेपी कहा जाता है। और खेल कूद में तत्कालीन जो चोट हो जाता है उसका उपचार करने के लिए क्रायोथेरेपी यानी बर्फ का उपयोग किया जाता है, बर्फ की चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हृदय के कार्यों को निम्नलिखित उपकरणों में कौन मापता है। तो हृदय के कार्यों, हृदय के अंदर जो भी अनियमितताएं होती है उसकी पता लगाता है, उसके कार्यों को जांच करता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या करता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एंड मस्तिष्क के जो कार्य है, विकार है, उसको पता लगाता है इलेक्ट्रोइंसीफेलोग्राम यानी ईसीजी, ईईजी। ठीक है, ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय की अनियमितता को पता लगाता है। नेक्स्ट है निग्रो और श्वेत प्रजातियों के तुलनात्मक अध्ययन में बुद्धि परीक्षणों द्वारा अनुवांशिकता के पक्षपात के विरुद्ध कौन से तर्क दिए गए हैं। तो यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि यहाँ पे निग्रो और श्वेत प्रजातियों के तुलनात्मक अध्ययन में बुद्धि परीक्षणों द्वारा अनुवांशिकता के पक्षपात के तर्क में विरुद्ध में तर्क दिए गए हैं। बुद्धि परीक्षण ज्ञान का परीक्षण है और ज्ञान पर्यावरण पर निर्भर है। ख है बुद्धि परीक्षण बुद्धि वाह कारु का परीक्षण नहीं है। ग है निग्रो लोगों को उन्नति के अवसर कम मिलते हैं। राइट है तीनों आपके ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्न में से किन वैज्ञानिकों ने कद की लंबाई पर पर्यावरण का प्रभाव दिखलाया है। तो वो है आपके स्किन फेल्ड एंड बॉस, दोनों आपके राइट हो जाएंगे, यानी कि स्किन फेल्ड और रास दोनों हैं। नेक्स्ट है मानव बुद्धि के विकास पर 80% अनुवांशिकता का और 20% पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। यह निम्न में से किसका विचार है। तो यह विचार है कुमारी बॉक्स का। उनका कहना है कि मानव बुद्धि के विकास में 80% अनुवांशिकता का 20% पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, जबकि मेरे ख्याल से ऐसा नहीं, ज्यादा प्रभाव का पर्यावरण का पड़ता है। नेक्स्ट है अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी के प्रभाव के विरुद्ध निम्न में से कौन से तर्क यानी आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं, दिए गए हैं। अनुवांशिकता के प्रभाव के विरुद्ध कौन से तर्क दिए गए हैं। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा घ, उपरोक्त सभी, यानी कि अनुवांशिकता हेरिडिटी का प्रभाव सीमित है, बुद्धि पर प्रभाव, बुद्धि पर पर्यावरण का प्रभाव और शारीरिक लक्षणों पर पर्यावरण का प्रभाव, ये अनुवांशिकता के विरुद्ध तर्क दिए गए हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से वंश का अधाम अनुवांशिकता का प्रभाव देखने के लिए अध्ययन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है काली काक वंश का अनुवांशिकता का प्रभाव देखने के लिए अध्ययन किया गया है, काली काक वंश को, वंश में। नेक्स्ट है निम्न में कौन से वंश का अध्ययन उत्तम अनुवांशिकता के प्रभाव को देखने के लिए किया गया है। तो इसका राइट आंसर है
एडवांस वंश उत्तम अनुवांशिकता के प्रभाव को देखने के लिए किस वंश पर प्रयोग किया गया है? एडवांस वंश पर। नेक्स्ट है, निम्न में से किन परिवारों के अध्ययन अनुवांशिकता का प्रभाव जानने के लिए किए गए हैं? इनमें से किन परिवारों के अध्ययन अनुवांशिकता का प्रभाव जानने के लिए किया गया है? तो वो है आपका, किन परिवारों का अध्ययन अनुवांशिकता का प्रभाव जानने के लिए किया गया है, जैसा कि आपने अभी पढ़ा है तुरंत, या इसमें कालिक वंश भी है, ज्यूक्स वंश भी है, एडवांस वंश भी है, तो उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुवांशिकता के बुद्धि पर प्रभाव का प्रजातीय अध्ययन निम्न में से किसने किया है? तो इसको किया है यक्स तथा क्लाइनबर्ग दोनों ने। गो आपका राइट होगा। अनुवांशिकता के बुद्धि पर प्रभाव का प्रजातीय अध्ययन किसने किया है? यक्स तथा क्लाइनबर्ग ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सीखने का एक नियम है? तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये तीनों आपके सीखने के नियम है, जिसका सीखने के नियम मुख्य नियम के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने इसको दिया है। तत्परता का नियम यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्पर रहे, कोई आंतरिक रूप से उसमें रुचि ले, तत्पर रहे, उसके अंदर मोटिवेशन हो उसको करने का, तो कार्य को आसानी से कर सकता है। और अभ्यास, और उस पर अभ्यास करना, बार बार उसको करता रहे। और प्रभाव का नियम क्या है? लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी इसको बोला जाता है, संतोष असंतोष का नियम भी बोला जाता है। जिस कार्य को करने में संतुष्टि मिलती है उसको ज़्यादा अच्छे से करा जाता है, जैसे कि किसी को सराहना देख करना और किसी को पुरस्कार देना। और जिस कार्य में उसकी संतुष्टि नहीं होती है, जैसे किसी ने डांट दिया या उसको दंड दिया, इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो उपर सभी आपने, यह सीखने का नियम है, इसको किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है, मानसिक विकास के अंतर्गत शामिल है, तो दोस्तों वह आंतरिक अवयव आचार शास्त्रीय एवं नैतिक संवेगात्मक परिपक्वता विवेचन और चिंतन। तो मानसिक विकास में हम क्या करते हैं? किसी चीज की विवेचना और चिंतन करते हैं। तो ख आपका राइट हो जाएगा। मानसिक विकास के अंतर्गत क्या शामिल है? विवेचना और चिंतन। नेक्स्ट है, निम्न विधियों में किसके द्वारा संवेगात्मक ऊर्जा को वांछनीय माध्यम प्रदान किए जाते हैं? तो वो होता है विरेचन सिद्धांत। ठीक है, किन विधियों में विधियों के द्वारा संवेगात्मक ऊर्जा को वांछनीय माध्यम प्रदान किए जाते हैं? तो विरेचन विधि में। किसमें? विरेचन विधि में। तो दोस्तों ये था आपका 50 MCQs क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसी तरह आप डेली बेसिस से प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि परीक्षा नजदीक आने पर आप उतना अच्छा से प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, जल्दबाजी में सभी कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। तो पहले से प्रिपरेशन करते रहिए, डेली बेसिस प्रैक्टिस लगाइए, अपने कमी को ढूंढिए और उसको ज्यादा उस पर ध्यान दीजिए जिस टॉपिक में आप कमजोर है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।